Dear students, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर 202 में कंप्यूटर सीएस 202 में हमारा अगला टॉपिक है पाइपलाइनिंग। हमने फ्लेंज क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद हम पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग की कंसेप्ट के लिए हम ये देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को सीरियली एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, वो एग्जीक्यूट होती है, तो सिंपल जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शन का वो ये है कि पहले फैच होगी, फिर वो डिकोड होगी और फिर वो एग्जीक्यूट होगी। फैच का मतलब मेमोरी से आना डेटा को, या एड्रेसिंग मोड जिस टाइप के हैं उस अकॉर्डिंग उस इंस्ट्रक्शन के। डिकोडिंग के बाद में एग्जीक्यूशन में डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ है, डेटा मेमोरी से आएगा, तो वो फिर वो अलग अलग टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब डेटा भी इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद में, डिकोड मीन्स उसको क्या ऑपरेशंस करने हैं, उसके बाद में डेटा कहाँ से आएगा, कौन सा डेटा है, कहाँ रखा है, मेमोरी में है, रजिस्टर में है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, इनडायरेक्ट होगा, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूशन में डेटा आएगा, एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट वापस से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट एग्जीक्यूशन। तो ये मान लीजिए कि पहली साइकिल है क्लॉक की, दूसरी साइकिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है उसके तीन फेज होते हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो पहले इंस्ट्रक्शन, अब जैसे सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें, सीरियल एग्जीक्यूशन की बात करें, तो पहली के बाद जब पहली एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो उसके अगली साइकिल में इंस्ट्रक्शन टू आएगी। ये मान लेते हैं अपन इंस्ट्रक्शन टू का फैच, फिर डिकोड एंड एग्जीक्यूट। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन थ्री, यानी फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमें इसको देखते हैं कि 9 या 9 साइकिल्स, या 1 सेकंड का 1 साइकिल है मान लीजिए, तो आपकी 9 सेकंड को इसमें 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में 9 सेकंड लगे। ये हम सिंपल सा एक फॉर्मेट लेते हैं कि सब तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में सेम समय लग रहा है, ये मान लीजिए, और तीनों का वर्किंग सेम है जैसा है, लेकिन 3 इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगी तो हमें 9 सेकंड लगेंगे, 3 3 सेकंड। ये सीरियल है यानी विदाउट पाइपलाइनिंग। उसके बाद अगर हम पाइपलाइनिंग की बात करें तो यहाँ देखिए हुआ क्या कि अगर हम पाइपलाइनिंग, पाइप का मतलब जिसमें पाइप होता है, पाइप में जैसे आप फ्लो करते हो पानी को, तो एक पानी का कुछ पार्ट आगे जाता है, फिर पानी का कुछ पार्ट पीछे जाता है, तो हम इसको अप्लाई अगर इसमें करना चाहें तो कैसे करेंगे कि यदि पहली इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है तो दूसरी डिकोड हो रही है, मींस वो फैच ऑपरेशंस के लिए फ्री है, यानी फैच ऑपरेशंस के लिए जो भी हार्डवेयर इंप्लीमेंट किया गया या यूज कर रहा है प्रोसेसर, उसको वो फ्री कर चुका है, अब वो डिकोडिंग में जा गया, तो वो हम यहाँ दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच करने में यूज लेंगे, और जब दूसरी फैच हो जाएगी तो तीसरी को फैच कर लेंगे। मीन्स क्या हुआ कि जो जो हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट फ्री होते गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के पार्ट, तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन या तीसरी इंस्ट्रक्शन को आगे एग्जीक्यूट कर सकता है, वो पार्ट कर सकता है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें कि इंस्ट्रक्शन 1 फैच हो चुकी है, जब डिकोड हो रही है तो इंस्ट्रक्शन 2 फैच हो गई। जब इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो इंस्ट्रक्शन 2 है वो डिकोड हो रही है। यहाँ देखेंगे एक्शन, ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये डिकोड हो रही है, और जब ये डिकोड हो रही है तो ये फैच हो रही है, जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये डिकोड हो रही है, और ये ख़त्म हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ 3 साइकिल में ये ख़त्म हो गई, लेकिन ओवरलैपिंग ऑफ साइकिल्स हो गया है, यानी ये पहली साइकिल पे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट फैच हुई, दूसरी पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो फैच हो रही है, तीसरी पे फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रही है, सेकंड डिकोड हो रही है, थर्ड फैच हो रही है। तो इस टाइप से अगर देखें तो हम 5 साइकिल्स या 1 सेकंड की 1 साइकिल माने तो 5 साइकिल्स में आप पाइपलाइनिंग के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है, मतलब कम हो गया है, यानी फास्ट हो गया है। अब पाइपलाइनिंग की अपन देखें कि किस प्रकार के पाइपलाइंस होते हैं, तो एक होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और दूसरी होती है अर्थमेटिक पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो हमने अभी देखा है, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को हम देखें सिंपली, जो ऊपर एग्जांपल था कि वो ये था कि यहाँ आपके पास इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन
फैच और एग्जीक्यूशन, यानी इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट आ गया, ठीक है। तो फैच डिकोड और ये एग्जीक्यूशन आ गया। तो यहाँ देखिए स्टेज वन में इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, डिकोड हो रही है, उसके बाद में अगर डिकोड होने के बाद में वो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है तो वो आगे जाके यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को उस ब्रांच स्टेटमेंट पे ले जाएगा जिसको एग्जीक्यूट करना है। अगर वो ब्रांचिंग नहीं है तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन फैच हो जाएगा, यानी ओपकोड फैच होगा। ओपकोड में इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद में कौन सा डेटा पार्ट या वैल्यू चाहिए वो ऑपरेशन फैच होगा और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर आपकी इंटरप्ट नहीं है तो आप क्लियर हो जाएंगे काम और कंप्लीट हो जाएगी एग्जीक्यूशन, और अगर एरर है तो वो आपका वापस इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस के पास जाएगा और उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर के अकॉर्डिंग आगे इंस्ट्रक्शन चलाएगा। दूसरी आपकी अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग में मोस्टली पाइपलाइनिंग का मतलब नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस वो पैरेलली हो रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट हो रहा है तो दूसरे इंस्ट्रक्शन का उससे पहले का पार्ट हो रहा है। मींस अगर पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है तो तीसरी इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, यानी तीनों वर्किंग पैरेलल है और स्टेट्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अगर हम अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेज है कि पहली स्टेज में ये कंपेयर करेगा, सेकंड स्टेज में एक पाइपलाइनिंग का तो एक पार्ट तो उसको चूज करेगा कंपोनेंट को, दूसरा है वो अलाइन मेंट्रिसा करेगा, ये क्या है मैं बताऊँगा आपको। फिर थर्ड स्टेज में ऑपरेशंस होंगे इस पर, यानी आपको प्लस माइनस क्या करना है, और फोर्थ स्टेज पर वो एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपोनेंट और नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ देखें हम कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो आपके पास दो वैल्यू है x एंड y, x इजिकल टू 0.9871 इंटू 10^3 और ये y इजिकल टू इंटू 10^2। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है a और b 3 और 2, यहाँ पे आपका 3 और ये 2 है, यहाँ गया, ये रजिस्टर्स है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर में कंपेरिजन होता है तो कौन सा कंपेरिजन, अर्थमेटिक कंपेरिजन करना है कि बड़ा है कि छोटा है, तो 3-2 बड़ा है, यानी 3 बड़ा पहला, a बड़ा है, a बड़ा तो अलाइन कर देंगे, अलाइंस मीन्स पॉइंट, एक पॉइंट उसको खिसका देंगे। तो यहाँ पे ये जो 0.8107 है उसको कर देंगे 0.8017, 0.1 हटा दिया, यानी यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे चूज क्या कर लिया दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट 3। 3 करने के बाद में यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में ये जो 3 आया इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके ये देखेंगे कि ये 0.0 में ही लाना है तो 1.0 आ गया, तो एक एक्सपोनेंट बढ़ा के वैल्यू 4 करके उसको ये कर देंगे, अदरवाइज रिजल्ट वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये पाइपलाइनिंग का आपके पास था कि हम किस रूप से इसको कर सकते हैं। तो अगली में हमारा होगा कि अगला टॉपिक, दो टॉपिक शेष है इस यूनिट के, जिसमें वेक्टर प्रोसेसर एंड पैरेलल प्रोसेसर, वो अगले दो वीडियो में हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।